हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरुणा सिंह, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में हम लोग अल्पना कुमारी की बात कर रहे होंगे। अल्पना ने 2016 में यार पहला अटैम्प्ट दिया था नीट का। हिंदी मीडियम स्टूडेंट थी, काफ़ी मुश्किल था इसके लिए नीट क्रैक करना, राइट। कुछ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज़ भी रहे इसके लिए 2017-18 में, एंड फाइनली 2020 में जब इसने गिवअप नहीं किया, अपने फिफ्थ अटैम्प्ट में इसने 691 आउट ऑफ 720 मार्क्स के साथ एम्स दिल्ली सिक्योर किया। अल्पना कुमारी की ये जो पूरी स्ट्रगल स्टोरी थी वो ऑलरेडी आपने पिछले वीडियो में देख रखी है, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा उस वीडियो में, क्योंकि बहुत ढेर सारे स्टूडेंट ने फिजिक्स के लिए रिक्वेस्ट की थी कि मैम कैसे फिजिक्स पढ़ती थी। तो इस वीडियो में अल्पना बताएगी कि आपको फिजिक्स कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या आपको रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस पर डे लगाने चाहिए, उन सब के बारे में वो ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करेगी। सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें अल्पना ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें फिजिक्स से डर लगता है और उन्हें गिवअप करने का मन करता है, राइट। तो अल्पना की जो बेसिक स्टोरी यही है कि 2018 में उसके 99 मार्क्स थे, 2019 में 119 मार्क्स थे फिजिक्स में, 112 मार्क्स थे सॉरी, पर 2020 में 161 आउट ऑफ 180 मार्क्स ने सिक्योर किया। तो आप देख सकते हो एक साल और गिवअप ना करने की वजह से उसके 50 मार्क्स बढ़े और फाइनली वो एम्स दिल्ली सिक्योर कर पाई है। गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ पे मैंने कार्तिक रेड्डी जो ये यार 710 मार्क्स आउट ऑफ 720 इन नीट 2020, उसके हैंडमेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PDF नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप जाओ, फाइल ऑप्शन में जाना टेलीग्राम चैनल में, एंड वहाँ पे आप ऊपर ही देख पाओगे कि 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PDF फाइल्स हैं, उसमें कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स हैं एक्सेप्ट नॉमेनक्लेचर एंड सम पार्ट ऑफ आइसोमर्स हैं। ऑल्सो मैंने हर्ष अग्रवाल के भी कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स अपलोड कर रखे। हर्ष अग्रवाल की AAR5 थी एम्स में इन 2019। सो दोनों टॉपर्स के जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे, राइट। एंड उनको आप अपना प्राइमरी नोट्स यार डिक्लेयर कर सकते हो, या फिर आप जो ऑलरेडी अपने नोट्स बना रखे हो ना कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उसमें आप एक्स्ट्रा एड ऑन पॉइंट्स जॉट डाउन कर सकते हो फ्रॉम द नोट्स विच विल बी अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टडी विथ मी सेशन अब रेगुलरली मैं कर रहा हूँ, सो दैट आप फोकस रहो और टेस्ट सीरीज़ के लिए अपने, कोई भी टेस्ट सीरीज हो, मेरी टेस्ट सीरीज हो, आपकी टेस्ट सीरीज हो, उसके लिए आप कंटिन्यूसली एक अकेडमिक जोन में रहते हुए पढ़ाई कर सको, राइट, आपका फ्लो ना ब्रेक हो। सो अब वीडियो प्ले होगी अल्पना की, बहुत ही अच्छी और इंस्पायरिंग वीडियो है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, राइट। ऑल द बेस्ट गाइस। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अल्पना कुमारी, नीट 2020 AIR 216 एंड नीट मार्क्स 691। सो मेरे लास्ट वीडियो से बहुत सारे ड्रॉपर्स ने अपनी स्टोरी रिलेट की, जो भी मेरे ड्रॉप ईयर्स में मार्क्स रहे हैं उससे, और कमेंट सेक्शन में क्वेरीज पूछी। सो मैक्सिमम वर लाइक हाउ आई मैनेज्ड फिजिक्स फ्रॉम वेरी लो स्कोर। सो आई एम हेयर टू टेलिंग यू हाउ आई मैनेज फिजिक्स फ्रॉम वेरी लो स्कोर इन 2016 अप टू 161 इन 2020। सो मेरा मेन फोकस ये आपका भी रहना चाहिए, मेरा भी था, कि आप एक सिंगल सोर्स को फॉलो करिए, बहुत मल्टीपल सोर्सेज मत करिए, आप मल्टीपल रिविजन करिए एक ही सोर्स का बार बार, तो और एनालिसिस भी करिए आप जो भी रॉन्ग होते हैं क्वेश्चन का, तो आप मटेरियल में, आप जो भी मटेरियल है आपको, उसी को आप बार बार फॉलो करिए। और फिजिक्स की NCERT आप पढ़ भी सकते हैं अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए, और HC वर्मा एक्सेट्रा, दीज आर नॉट वेरी इसेंशियल, बट यू कैन डू देम इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर कंसेप्ट मोर प्रॉपरली इन फिजिक्स। सो मेन ये मोटो होना चाहिए आपका, कि आपको गिवअप नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में। मैंने भी नहीं किया, मुझे भी नहीं गिवअप करना था, मुझे करना था, तो सो आई एम हेयर एट एम्स न्यू दिल्ली। सो आप डेली के डेली पढ़ते रहिए, आप कंटिन्यूटी ब्रेक मत करिए, जैसे लाइक मैं करती थी 150 to 200 क्वेश्चंस पर डे करती थी मैं फिजिक्स में, जितना भी टीचर्स बोल देते थे, और मेरा एक सिंगल डे स्किप नहीं होता था। और जैसे लास्ट ईयर मेरा नर्वसनेस में एग्ज़ाम बिगड़ गया था, मतलब ड्रॉप ईयर्स बढ़ जाते कभी कभी लक फैक्टर की वजह से, तो आप वो नर्वसनेस मत आने दीजिए। वो नर्वसनेस तब आती है जब आप अपना पूरा सिलेबस सही से कवर नहीं करके जाते हैं। जब आप अच्छा पढ़ के जाते हैं, सही पढ़ के जाते हैं, हार्डवर्क करके जाते हैं, तो फिर आपको नर्वसनेस नहीं होगी। तो मेरा ये मानना है कि आप स्किप मत करिए किसी भी चैप्टर को, आप प्रॉपरली पढ़िए
तीनों सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली पढ़िए। जो सब्जेक्ट आपका वीक है आप उसे ज़्यादा टाइम दीजिए। लाइक मेरा फिजिक्स वीक था तो मैं मतलब अपना 50% टाइम फिजिक्स को देती थी। मुझे करने हैं डेली तो मैं करती थी। मैं 150 जैसे मैंने बताया 150 to 200 क्वेश्चन मैं पर डे करती थी लगभग। और उसके बाद मैं बाकी सब्जेक्ट पे शिफ्ट होती थी। लाइक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बचे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के बचे हैं तो वो भी न्यूमेरिकल्स तो मेरे जिस दिन के न्यूमेरिकल होते थे मैं उसी दिन ख़त्म कर देती थी। थ्योरेटिकल पार्ट और बैकलॉग मत होने दीजिए। अगर आप पर डे ख़त्म करेंगे तो बैकलॉग भी नहीं होगा। और फिजिक्स का ये है कि आप रिवीजन बार बार करिए, गलत जो हो रहे हैं उन्हें एनालाइज करिए ताकि अब वो नेक्स्ट टेस्ट में गलत ना हो और कभी भी गलत ना हो। आप इस तरीके से पढ़िए उनको और कंटिन्यूटी ब्रेक मत होने दीजिए। आप एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ सकते हैं टू बिल्ड योर कंसेप्ट इन थ्योरी। और एचसी वर्मा लाइक बुक्स बहुत एसेंशियल नहीं है बट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप अपनी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो पढ़ सकते हैं। और अगेन मैं ये कहूँगी कि किसी भी हालत में गिव अप नहीं करना है आपको, और आपके हार्ड वर्क ही आपका रिज़ल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। तो आप वैसे भी सब लोग को रिज़ल्ट ही चाहिए तो आप हार्ड वर्क करिए ताकि आप लगे मतलब सबको कि हाँ रिफ्लेक्ट हुआ है, रिज़ल्ट आया है। तो मुझे भी नहीं पता था कि लास्ट ईयर की अब क्या मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं। एक्चुअली मैंने भी एम्स दिल्ली के लिए मतलब उतना नहीं सोचा था। मैंने तो मतलब ये था कि हाँ कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले उसके लिए। और फिर नर्वसनेस भी नहीं हुई क्योंकि मैंने अपना 100% दिया। मेरा जैसे 2016 में फिजिक्स में मार्क्स बहुत कम था, लाइक मुझे लगता है शायद 50 अराउंड रहा होगा। बहिंगा बोर्ड हिंदी मीडियम बोर्ड स्टूडेंट्स थी मैं, मैंने प्रिपरेशन भले इंग्लिश में की थी तो वो 58 था शायद 2016 में। और 17 का मुझे याद नहीं, 18 में मेरा 99 कुछ मार्क्स था और 2019 में मेरा 112 था मार्क्स। तो मैंने पिछले 2 सालों में मैंने ज़्यादा इंक्रीज़ किया है फिजिक्स में, क्योंकि फिर मैं समझ गई कि मुझे मतलब एक ही सोर्स को बार बार पढ़ना है, उसी में सारे सही क्वेश्चंस दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो आते हैं। तो आप भी ऐसा ही करिए, आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी बुक्स के पीछे मत पढ़िए, आप जो एसेंशियल है वो करिए। और पर डे आप इतने क्वेश्चंस का टारगेट रखिए 150 to 200 आप या अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। लाइक आपका और वीक है तो आपको और प्रैक्टिस करना चाहिए बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन। तो थैंक यू।